हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल आज का हमारा टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ कनेक्टिंग रोड सो so, सबसे पहले व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कनेक्टिंग रोड तो आप यहां पे देख सकते हैं कनेक्टिंग रोड अगर मैं यहां पे पिस्टन ड्रॉ करता हूं ठीक है तो ये क्या होगा उसकी पिन होगी पिस्टन पिन ओके और यहाँ पर पिस्टन पिन पर स्मॉल एंड रहेगा कनेक्टिंग रोड का और उसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो है यहाँ से जो गैस फोर्स आ रहा है फोर्स ओके okay? उसको ट्रांसमिट करेगा पिस्टन के थ्रू यहाँ पे क्रैंक में ओके okay? सो so आप यहाँ पे देख सकते हो क्रैंक भी दी हुई है सो so यहाँ पे वो जो आ, फोर्स है वो क्रैंक तक पास आउट करेगा अब सेकेंडरी फंक्शन क्या है फ्रेंड्स तो सेकेंडरी फंक्शन ये है टू तो कैरी द लुब्रिकेटिंग ऑयल फ्रॉम क्रैंक पिन टू द पिस्टन पिन ओके okay? यहाँ पे जो क्रैंक पिन है यहाँ पे जो क्रैंक है उसमें यहाँ पे हॉल किया रहेगा और वहाँ से लुब्रिकेटिंग ऑयल आएगा ठीक है और ये जो पूरा जो कनेक्टिंग रोड है यहाँ पे वो भी अंदर उसमें होल ड्रिल किया रहेगा ठीक है तो यहाँ से जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो यहाँ से ऊपर आएगा और ये क्रैंक पिन के पास जाएगा और क्रैंक पिन के पास सॉरी पिस्टन पिन के पास जाएगा एंड पिस्टन पिन से वो पूरा पिस्टन यहाँ पे लुब्रिकेट करेगा ठीक है सो दिस इज़ अ सेकेंडरी फंक्शन ओके टू कैरी द लुब्रिकेटिंग ऑयल फ्रॉम क्रैंक पिन टू द पिस्टन पिन सो दिस इज द फंक्शन

सो एल बाय आर रेशियो जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा वी हैव टू एज्यूम इट इट इज़ नियर टू फोर टू फाइव फॉर हाई स्पीड एंजिन एंड इफ लो स्पीड एंजिन देन इट इज मोर देन फाइव अब यहाँ पर जो आर है फ्रेंड्स वो आर हमें फाइंड करना पड़ेगा ये जो आर है ना वो वो भी याद रखना पड़ेगा तो स्ट्रॉक लेंथ दी, दी होगी आपको सो आर इज इक्वल टू स्ट्रॉक लेंथ ओके यहाँ पर ये जो एल है वो है लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रोड मैं यहाँ पे स्ट्रोक लेंथ की बात कर रहा हूँ स्ट्रोक लेंथ बाय टू सो यहाँ पे जो रेडियस होगी वो होगी स्ट्रोक लेंथ बाय टू ओके क्लियर देन नेक्स्ट इज लोड ऑन द लोड एक्टिंग ऑन कनेक्टिंग रोड यहाँ पे जो कनेक्टिंग रोड है उस पर जो लोड लग रहा है वो क्या लग रहा है तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया एफ यहाँ से आ रहा है ओके फोर्स गैस फोर्स पाई बाय फोर डी स्क्वायर पी यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा पी इन टू इंटू पाई बाय फोर डी स्क्वेयर इसका जो एरिया है फाइव बाय फोर डी स्क्वेयर डी इज द डायामीटर ऑफ बोर ओके सो इस तरह से हम एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स फाइंड करेंगे ओके okay? बट यहाँ पर दूसरी चीज मैं आपको बता दूँ वो बाद में भी आएगा लेकिन गैस फोर्स मैक्सिमम कब होगा जब यहाँ पर ठीटा एंड यहाँ पर आप देख सकते हो फायटा प्लस फाई बिकम नाइन्टी डिग्री ओके से ठीटा सिक्सटी है और ये है थर्टी uh, देन द गैस फोर्स विल बी द मैक्सिमम सो यहाँ पे हम लगा सकते हैं एफ मैक्स इज इक्वल टू pi by 4 डी स्क्वायर पी मैक्स ओके ये इक्वेशन बाद में आने वाला है नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स बेंडिंग मोमेंट इन द प्लेन ऑफ रोटेशन अब यहाँ पे जो है ये यह यहाँ पे जो पूरी फिगर है उससे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है और अगर वो एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे बताने जाऊँ तो वो तीन पेज और हो जाएंगे तो इसलिए मैंने यहाँ पे वो डायरेक्ट बताया है फ्रेंड्स आप भी ये याद रख रख लो या तो याद अगर, अगर आप देख लेना अगर डिज़ाइन डेटा बुक में अवेलेबल होगा ही होगा ठीक है सो बेंडिंग यहाँ पे जो है ट्रांसवर्स बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू रो ए ओमेगा स्क्वायर आर एल स्क्वायर साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन नाइन अंडर रूट थ्री ओके तो जब थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा तो ये बेंडिंग मोमेंट भी जीरो होगा क्यों क्योंकि यहाँ पे थीटा प्लस थीटा अगर जीरो है तो यहाँ पे क्या होगा फाइव भी जीरो होगा ठीक है सो ये पूरा टर्म जो है जीरो हो जाएगा ओके साइन जीरो इज इक्वल टू तो जीरो मतलब कि ये पूरा टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा अब यहाँ पे अगर थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू तो नाइन्टी है तो साइन नाइन्टी इज इक्वल टू तो वन रहेगा तो आपका जो इक्वेशन होगा ट्रांसवर्स बेंडिंग मोमेंट का वो आप ये याद रख लो या तो डिजाइन डेटा बुक में अवेलेबल होगा ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेंडिंग मोमेंट ओके सो रो ए मेगा स्क्वायर आर एल स्क्वायर अपन नाइन अंडर रूट थ्री ये होगा ही होगा डिजाइन डेटा बुक में ओके देन डिजाइन ऑफ कनेक्टिंग रोड बॉडी ठीक है अब कनेक्टिंग रोड की जो बॉडी है उस, उस पर हमें डिजाइन करना है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एफ मैक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर डी स्क्वायर पी मैक्स ठीक है ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी देख लिया है मैक्सिमम गैस फोर्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर डायामीटर बोर डायामीटर स्क्वायर इन पी मैक्स आपको ये पी मैक्स दिया होगा ठीक है नाउ सेकेंड थिंग इज बकलिंग और क्रिटिकल लोड तो फ्रेंड्स बकलिंग ये वर्ड आपने सुना होगा बीम्स एंड कॉलम्स में अगर आपने फंडामेंटल ऑफ मशीन डिजाइन पढ़ा हो तो बकलिंग पढ़ा होगा ठीक है so, सो यहाँ पे ये जो क्रिटिकल लोड है ठीक है क्रिटिकल लोड या क्रिपलिंग लोड बोलो ठीक है या बकलिंग फोर्स बोलो तो यहाँ पे उसका इक्वेशन है रैंकाइन इक्वेशन ठीक है रैंकाइन इक्वेशन है तो अगर आपने ये इक्वेशन भी ना देखा हो तो मैं यहाँ पे वो लिंक अटैच कर दूंगा आप बीम्स एंड कॉलम्स जो है मेरा चैप्टर वो भी देख लीजिए सो so, क्रिपलिंग फोर्स जो है उसका इक्वेशन ये रहा इसमें एस वाई सी यानी कि कंप्रेसिव ही स्ट्रेंथ देन क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम जो एल ई है दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन एंड यहाँ पे जो अल्फा है दैट इज द रैंकाइन कॉन्स्टेंट विच इज फिक्स वन अपॉइंट सेवन फाइव जीरो जीरो हमें ले कंसिडर कर देना है देन यहाँ पे दूसरी चीज है एल ई जो है लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रोड एल ई इज इक्वल टू मोस्टली हमें एल कंसीडर करना है ठीक है यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं बोथ एंड हिंचड ओके तो एल ई इज इक्वल टू एल सो एल इज द लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रोड सो यहाँ पे आपको एल ही एज्यूम करना है ओके okay? सो so ये क्रिपलिंग फोर्स का इक्वेशन था बकलिंग फोर्स बकलिंग लोड ओके अब हमें कंपेयर करना है कि यहाँ पे दो फोर्स आ गए एक तो क्रिपलिंग फोर्स और दूसरा है यहाँ पे मैक्सिमम गैस फोर्स ओके सो यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे तब फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो हमें मिलेगी मतलब क्रिपलिंग लोड हमने फाइंड किया और हमने दूसरा फाइंड किया मैक्सिमम फोर्स तो हमें यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिलने वाली है वो फोर टू सिक्स या तो उससे ऊपर होनी चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो एनएफ है वो फोर से नीचे नहीं होना चाहिए अगर फोर से नीचे है मतलब डिजाइन इज नॉट सेफ अगर फोर से ऊपर है तो हमारी डिजाइन सेफ है ठीक है यहाँ पे एन हम फाइंड करेंगे तो एन जो है वो फोर से ऊपर होना चाहिए अब आगे बढ़ते हैं चेक फॉर द चेक फॉर द ट्रांसवर्स बैंडिंग और विपिंग स्ट्रेस यहाँ पे जो सिग्मा बी डब्ल्यू है डब्ल्यू किसका है विपिंग स्ट्रेस ओके सो so, विपिंग स्ट्रेस हमें फाइंड करना है बैंडिंग स्ट्रेस तो यहाँ पे उसका इक्वेशन है एम मैक्स बाय जेड ठीक है सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस का इक्वेशन है एम अपॉन जेड तो जेड इज इक्वल टू आई अपॉन वाई जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया है जेड इज इक्वल टू आई अपॉन वाई और एम मैक्स जो आगे इक्वेशन ऑलरेडी आ चुका है जैसे मैंने आपको बताया ये इक्वेशन आपको डेटा बुक में मिल जाएगा सो so, यहाँ पे फाइंड करना है आई ओके आई फॉर दी क्रॉस सेक्शन पर्टिकुलर आई क्रॉस सेक्शन के लिए हमें आई फाइंड करना रहेगा ठीक है वो एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा इसके बाद मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ ठीक है अब ये फिर से रिपीट हुआ है थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू तो नाइनटीन होगा तब ये मैक्सिमम होगा ठीक है और थीटा जो है वो सिक्सटी फाइव टू सिक्सटी एट राउंड होगा नाउ डिजाइन फॉर दी अदर पार्ट्स ऑफ कनेक्टिंग रोड जो ये आगे वाला पोर्शन हमने किया वो पर्टिकुलर बेंडिंग स्ट्रेस के लिए किया ठीक है अब यहाँ पे दूसरा जो है तीन पार्ट हमने देखे ये बॉडी के लिए देखा हमने अभी हमारे पास दो पार्ट है एक तो स्मॉल एंड एंड बिग एंड तो अब हम उसकी डिजाइन के बारे में देखने वाले हैं ठीक है सो so, स्मॉल एंड की बात करें अगर हम तो स्मॉल एंड में आप देखोगे यहाँ पे तो डाया ऑफ दी पिन दिया हुआ है ठीक है ये जो है पिन डाया है ठीक है देन उसके ऊपर यहाँ पे जो डार्क ब्लैक कलर का दिख रहा है वो बुश है ठीक है उसके बाद बुश में जब एंड आएगा तब यहाँ पे इनर डाया ऑफ दी स्मॉल एंड डी पी आई देन आउटर डाया ऑफ दी स्मॉल एंड ओके यानी कि ये आउटर डाया ठीक है और ये जो है लेंथ एलवन दैट इज द लेंथ ओके okay? या तो हम बोलते हैं विड्थ ऑफ दिस स्मॉल एंड ओके नाउ अब हमें फाइंड करना है डीपीआई तो डीपीआई फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा डायामीटर ऑफ पिन और डायामीटर ऑफ पिन फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है एफ मैक्स इज इक्वल टू एल बी सी इंटू डी पी इंटू पी बी अब पी बी आपको दिया होगा ठीक है सो so, यहाँ पे एल जो है वो कैसे फाइंड करेंगे हम एल जो है वो पॉइंट फोर फाइव डाया मीटर ऑफ बोर वो हमें एज्यूम करना है एल के लिए पॉइंट फोर फाइव एल के लिए पॉइंट फोर फाइव इंटू डाया मीटर ऑफ बोर ठीक है वो दिया होगा तो यहाँ से आपको डी मिल जाएगा फ्रेंड्स तो डी हम यहाँ पे यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं डी पी आई ओके इनर डाया मीटर ऑफ दी स्मॉल आई डी पी आई फाइंड कर दिया उसके बाद यहाँ पे टू इन टू थिकनेस ऑफ द दियरिंग बूट यहाँ पे हमने कंसिडर किया है यहाँ पे बेरिंग बूट जो है वो टू एम एम थिकनेस है ठीक है और दोनों साइड है इसीलिए टू इंटू टू कर दिया है उसके उसके बाद सॉरी उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन कनेक्टिंग रोड तो यहाँ पे ये यह जो आपको इक्वेशन मिल रहा है वो इक्वेशन किसका है अगर आपने डायनामिक्स ऑफ मशीन में पढ़ा हो तो इनर्शिया फोर्स ड्यू टू द रेसिप्रोकेटिंग मास ठीक है इनर्शिया फोर्स ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग मास तो ये फोर्स जो है वो उसका है ठीक है एफ आई मैक्स ठीक है एम आर ओमेगा स्क्वायर आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा अपॉन एन ओ सो यहाँ पे जो एन ओ होन ओ है दैट इज एल बाय आर ओके लेंथ अपॉन रेडियस जो हमने आगे देखा था ठीक है और यहाँ पे जो एम आर है एम आर ठीक है दैट इज द मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग सॉरी रेसिप्रोकेटिंग मास ओके टोटल रेसिप्रोकेटिंग मास दैट इज एम पी प्लस वन बाय थ्री एम सी मास ऑफ द कनेक्टिंग रोड एम पी दैट इज मास मास ऑफ द पिस्टन ओके okay? तो इस तरह से एग्जाम्पल में मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगा कि हमने ये कैसे फाइंड किया है ठीक है फिर से बता दू एन ओ दैट इज द एल बाय आर दिस इज मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पोर्शन देन ओमेगा एंगुलर एंगुलर मूवमेंट ओके सो नेक्स्ट इज सिग्मा पी टी इज इक्वल टू एफ आई मैक्स अपॉन डीपीओ माइनस डी पी आई इन टू एल वन तो यहां पे हमें फाइंड करना है सिग्मा पी टी ओके मैक्सिमम इनर्शिया फोर्स हमने फाइंड कर दिया है तो सिग्मा पीटी क्या है टेंसाइल फोर्स इंड्यूस इन द कनेक्टिंग रोड सिग्मा पीटी ओके okay? लेकिन हम यहां पे सिग्मा पीटी टू सिग्मा अलाउबल लेंगे तो यहां पे हमें डीपीओ मिल जाएगा ठीक है सो so, इस तरह से भी हम डीपीओ फाइंड कर सकते हैं या तो मैं आपको बताता हूं आप डायरेक्टली ये चूज कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा डी पी ओ इज इक्वल टू टू टाइम्स डाया इनर डायामीटर ऑफ दी स्मॉलर एंड ओके डी पी ओ इज इक्वल टू टू डी पी आई क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल में देखोगे तो ये ही आपको मैक्सिमम मिलेगा हमें इससे भी फाइंड करना है और इससे भी फाइंड करना है सो so, ये आपको मैक्सिमम मिलने वाला है ठीक है नेक्स्ट इज बिग एंड ऑफ कनेक्टिंग रोड अब बिग एंड आपको पता है बिग एंड ऑफ द कनेक्टिंग रोड उसमें डायामीटर ऑफ द क्रैंक पिन हम यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे बिग एंड जो है उसमें है एक तो डायामीटर ऑफ द क्रैंक पिन ठीक है यहाँ पे इनर इनसाइड डायामीटर ऑफ द क्रैंक और यहाँ पे है आउटसाइड डायमीटर ऑफ द क्रैंक यह है विर्थ ऑफ द बिग एंड ठीक है विर्थ ठीक है देन यहाँ पे जो एस है वो डिस्टेंस बिटवीन टू बोल्ट ठीक है यहाँ पे दो बोल्ट रहने वाले हैं ठीक है उसका डिस्टेंस है एस एंड टी बी सी यहाँ पर बहुत सारा डेटा आपको एज्यूम करना पड़ेगा या तो आप डिज़ाइन डेटा बुक में देख लीजिए कितना है और कितना नहीं है तो यहाँ पर थिकनेस भी है ठीक है ओके okay, देन यहाँ पे देखते हैं कैसे फाइंड किया है सो so, यहाँ पे डी सी पी दैट इज डायामीटर ऑफ द क्रैंक पिन इनर डाया आउटर डाया थिकनेस ऑफ द बेरिंग कैप यहाँ पे है विथ ऑफ द बिग एंड ऑफ कनेक्टिंग रोड LBC and s is the distance between bolt center and bearing cap okay now sabse pehle yahan pe f max hamare paas hai to ye equation ka use karke theek hai pb hamare paas hai yahan pe 7 to 8 newton per mm square splash and 8 to 12 pressure lubrication LBC बी सी जो है वन से वन पॉइंट फाइव डी सी पी लगेगा यहाँ पर ठीक है सो so, इस तरह से हम यहाँ पर इसमें डी फाइंड कर सकते हैं डी हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया अब डी फाइंड कर दिया है ठीक है तो यहाँ पे अगर डी की वैल्यू रखेंगे तो हमें यहाँ पे इनर डायमीटर की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पे जो थिकनेस है वो हमें थ्री कंसीडर करनी है ठीक है सो डी हमें यहाँ पे मिल गया उसके बाद डी मिल जाए उसके बाद मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सेम इक्वेशन यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन है वो पर्टिकुलर बी एंड के लिए है सो एफ आई मैक्स बाय टू इंटू एस बाय टू ठीक है ये कैसे आया तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया यहाँ से ये डिस्टेंस एस बाय टू और उसके बाद यहाँ पे जो लगेगा फोर्स वो तो फोर्स इंटू डिस्टेंस ठीक है सो बेंडिंग मोमेंट ये इक्वेशन इस तरह से है देन जेड बी सी सेक्शन मॉड्यूल्स ऑफ बी सी सो सिग्मा बी सी जो है वो हमें इस तरह से मिल जाएगा यहाँ पर जो एस है वो हमें एज्यूम करना है मैंने आपको बोला था बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एज्यूम करनी है वन पॉइंट सेवन फाइव टू टू पॉइंट ज़ीरो डी सी पी है जेड बी सी है वो वन बाई सिक्स टी एल बी सी इंटू टी बी सी स्क्वायर एम एम क्यूब ओके देन आउटर डाया मीटर इज़ इक्ल टू डी सी आई प्लस टू टी बी सी ठीक है देन डी सी ओ इज इक्वल टू आप ये भी एज्यूम कर सकते हो तो ये दोनों से आपको आउटर डायमीटर मिल जाएगा उसके बाद लास्ट बोल्ट फॉर द बिग एंड बेरिंग कैप यहाँ पे जो बोल्ट है उसका डायमीटर हमें फाइंड करना है तो ये इक्वेशन भी आपने यहाँ देख लिया है ऑलरेडी एफ मैक्स इज इक्वल टू एफ आई मैक्स नॉट एफ मैक्स बट दिस इज एफ आई मैक्स इज इक्वल टू टू इंटू पाई बाई फोर डी सी स्क्वेर इंटू सिग्मा टी बी ओके टेंसाइल स्ट्रेस ऑन दी बोल्ट ओके और ये जो है बोल्ट का स्ट्रेस वो आपको 100 से 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कंसिडर करना है तो इससे आपको डी मिल जाएगा फ्रेंड्स ओके सो so, डी मिल जाएगा तो ये पूरा का पूरा जो है वो है डिज़ाइन ऑफ दी कनेक्टिंग रोड मेनली हमने तीन चीज़ देखी सबसे पहले हमने फिर से रिपीट कर देता हूँ बहुत जल्दी से फ्रेंड्स रिपीट करता हूँ तो आपको आपको पूरा समराइज हो जाए सबसे पहले हमने बॉडी का देखा डिज़ाइन ठीक है तो बॉडी के लिए हमने बेंडिंग मोमेंट देखा यहाँ पे डिजाइन ऑफ कनेक्टिंग रोड बॉडी सो क्रिपलिंग लोड बकलिंग लोड देखा हमने ठीक है उसको कंपेयर किया ठीक है मैक्सिमम गैस फोर्स से उसके बाद हमने उसका विपिंग स्ट्रेस देखा देन अब आया स्मॉल एंड स्मॉल एंड में हमने इनर आउटर ठीक है डायमीटर ऑफ पिन ये सब फाइंड किया ये इक्वेशन है ठीक है रेसिप्रोकेटिंग पार्ट का देन बिग एंड हमने देखा यहाँ पे सो बिग एंड में भी वही डायमेंशन है इनर आउटर ठीक है ये सब डायमेंशन इनर आउटर डायमीटर ऑफ द क्रैंक टी बी सी ठीक है डायमीटर ऑफ द बोल्ट ये सब हमने देखा तो इस तरह से ये पूरी डिज़ाइन को हमने कंप्लीट किया फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपको कोई लगता है कि इसमें कोई भूल है या उसको सुधार करने की आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए ठीक है ओके थैंक यू जय हिंद जय भारत